मित्रों, हाथ में स्मॉल फिंगर ज़्यादा छोटी हो। ज़्यादा छोटी का मतलब है कि रिंग फिंगर के पहले वाले पोरू तक आ रही हो या फिर दूसरे वाले पोरू के आधे तक ही आ रही हो, जैसा कि आपको इस हाथ में दिख रहा है। ऐसे व्यक्ति बहुत चतुर और चालाक प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग चतुराई से, चालाकी से अपना काम निकालने में माहिर होते हैं और ये लोग अपने फायदे के लिए दूसरे व्यक्ति को धोखा देने में भी पीछे नहीं हटते। ये लोग समाज के बड़े लोगों से अच्छा संपर्क बना करके रखते हैं, जैसे कि शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से या फिर राजनीतिक मंत्री आदि से, या फिर समाज के बड़े धनवान लोगों से अच्छा संपर्क बना करके रखते हैं और उन लोगों से अपना काम भी निकलवाते हैं। ये लोग बुद्धिमान और चतुर चालाक बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी इनके जीवन में समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती। इनके जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ झंझट बनी रहती है, क्योंकि ये लोग बहुत चालाक होते हैं और हर काम में टांग अड़ाते हैं। हर काम में, जो काम इनको नहीं भी आता है उसमें भी ये लोग टांग अड़ाते हैं और अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धिमान या फिर बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसी कारण से इनके जीवन में समस्याएं, झंझट कभी ख़त्म नहीं होते। ऐसे व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में हमेशा परेशानी बनी रहती है। इनके बिजनेस व्यापार में या फिर नौकरी वगैरह में हमेशा कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है और ये लोग इधर की बात उधर करने वाले होते हैं। ये लोग चुगली करने में बहुत माहिर होते हैं और ये लोग झूठ बोलने में भी माहिर होते हैं। इतने तरीके से झूठ बोलते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। ये लोग कॉपी पेस्ट करने में भी बहुत माहिर होते हैं। कॉपी पेस्ट का मतलब है कि यदि इनको कोई लेख लिखना है या फिर कोई पुस्तक लिखनी है तो ये खुद से नहीं लिखते, चार पुस्तकों को पढ़ लेंगे और उन्हीं पुस्तकों का इसमें पेस्ट कर देंगे। या फिर कोई लेख लिखना है तो खुद के दिमाग से नहीं लिखेंगे, किसी और व्यक्ति का नकल करके यहाँ पर लिख देंगे। यदि किसी महिला के हाथ में ऐसी स्थिति है तो ऐसी महिलाएं भी चुगली करने वाली होती हैं और इधर की बात उधर करने वाली होती हैं। इसी कारण से ऐसे लोग दूसरे लोगों के बीच में झगड़ा भी लगवा देते हैं या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की गृहस्थी भी बर्बाद कर देते हैं। इन लोगों को इन आदतों पर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और कोशिश करें कि ज़्यादा ना बोलें। ऐसे लोगों को गॉसिप करना भी बहुत अच्छा लगता है, बातें करना बहुत अच्छा लगता है और कई बार ये लोग बातों ही बातों में दूसरे लोगों का दिल भी दुखा देते हैं या फिर दूसरे लोगों का नुकसान कर देते हैं। कभी कभी तो ये लोग अनजाने में दूसरों का नुकसान कर देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।